हेलो फ्रेंड, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको आज आपको आर्क वेल्डिंग के बारे में जानकारी देने वाला हूं। ये मशीन है, आर्क मशीन है, आर्क वेल्डिंग मशीन है। इसका जो आरपीएम है 200 आरपीएम तक अपन यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले मशीन का मेन, ये पोर्टेबल आर्क वेल्डिंग मशीन है। ये कहाँ भी आप लेके जा सकते हैं और इजी है, काम करने में भी अच्छा है। बिल्डिंग में या ग्रिल का काम करने का हो गया या छोटे मोटे वर्कशॉप काम करते हैं अपन, तो इस जगह ये मशीन यूज करते हैं। इसका मैं मेन आपको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे जो लिखा है देखो, ये माइनस और प्लस, ये टर्मिनल जो है वो एक अर्थिंग के लिए है और एक होल्डर के लिए है। ये दो टर्मिनल लगा के दिखाने वाला। ये ऑन ऑफ स्विच है और ये एम्पियर कम ज़्यादा करने के लिए बटन दिया है। ये 10 एम्पियर से ये 200 एम्पियर तक अपन वेल्डिंग कर सकते हैं इसमें। इसके अंदर आपको सिंगल फेज सप्लाई लगता है। ये देखो, ये पिन दिया है, 2 पिन सॉकेट में आप लगा सकते हैं। घर में भी आप कहाँ भी वेल्डिंग करने का है तो इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं अपन। ये मैं इसका प्रैक्टिकल आपको करके दिखाने वाला हूँ, एक जॉब बना के दिखाने वाला वेल्डिंग कैसा किया जाता है। इसका जो मशीन स्टार्ट करने के बाद इसमें एम्पियर आपको सेट करना पड़ता है, कौन से टाइप का वेल्डिंग रॉड है वो हिसाब से एम्पियर सेट करने के बाद ये वायर आपको दिखाने वाला है कैसा लगाने का। तो अभी मैं सबसे पहले इसके जो एक्सेसरीज रहते हैं, जो पार्ट अपन यूज करते हैं उसका, उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। एक केबल है, एक केबल में होल्डर लगेला है। ये प्लस साइड में अपना जो प्लस बाजू है, ये होल्डर का बाजू है, इसमें आपको लगाने का है। ये टाइप का ये लॉक हो गया अभी। इसके बाद ये होल्डर में आपको वेल्डिंग रॉड लगाते हैं अपन। ये वेल्डिंग MS वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है। इसका जो साइज है 3.15 का है और इसके लिए आपको एम्पियर का इम्पोर्टेंट है, 85 to 115 एम्पियर आपको सेट करने का इसमें। जैसा जैसा रॉड का साइज रहेगा वो हिसाब से एम्पियर आपको सेट करना पड़ता है। मार्केट में आपको अलग अलग टाइप के रॉड अवेलेबल रहते हैं, 5 mm, 4 mm, 3.15 mm, 2.5, 2.5 mm, ऐसे अलग अलग टाइप के रॉड अवेलेबल रहते हैं। एमएस के रहते हैं, माइल स्टील के और स्टेनलेस स्टील के भी रहते हैं। जो मटेरियल आपको वेल्डिंग करने का है वो हिसाब से रॉड आपको लगाना पड़ते हैं। कास्ट आयरन के भी रॉड मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। तो अपने को आज एमएस वेल्डिंग करने का है माइल स्टील के ऊपर, तो इसके लिए रॉड माइल स्टील का है, ऐसा पैकेट रहता है, मार्केट से आप लेके आप वेल्डिंग कर सकते हैं इजीली। इसमें एम्पियर का वगैरह सब दिया रहता है, कितना एम्पियर लगाना चाहिए, इसका रॉड का साइज क्या है, ये सब दिया है। ये जो साइज है इसका 3.15 mm है। ये डायमीटर जो है वो 3.15 mm है और इसके ऊपर ये फ्लग कोटिंग किया रहता है। ये कोटिंग करने के बाद आपको ये रॉड लगाने के बाद ये कैसा लगाने का तो उसके बारे में आपको दिखा रहा हूँ। ये होल्डर है, ये होल्डर के अंदर ये स्लॉट दिया है, ये स्लॉट के अंदर ये रॉड थोड़ा एंगल में करने का है। जे आपको वेल्डिंग जहाँ करने का इजीली आप एंगल में करेंगे, ऐसा करेंगे तो आपको टर्न करने में ज़्यादा क्रॉस करना पड़ेगा, तो इसके लिए एंगल दिया है। ये एंगल में आपको ये फिक्स करने का है वेल्डिंग रॉड, ये पोर्शन में फिक्स करने का है जहाँ पे कोटिंग के लाने, ये पोर्शन में पकड़ने का है, ऐसा ऐसा पकड़ने के बाद ये होल्डर अपना फिक्स हो गया। दूसरा जो केबल है ये अर्थिंग केबल रहता है। अर्थिंग केबल में ये क्लैंप दिया रहता है, जहां पे आपको वेल्डिंग करने का है वहां पकड़ के आप अर्थिंग लगा सकते हैं। अभी ये मैं यहां पे वेल्डिंग करने वाला, इसीलिए मैं क्लैंप यहाँ पे लगा रहा हूँ। और दूसरा जो पॉइंट है वो निगेटिव पॉइंट में आप जोड़ने का है। ये देखो, ये यहाँ पे लिखा है माइनस,
और एक बाजू में प्लस, प्लस बाजू में होल्डर लगाने का है और माइनस बाजू में अर्थिंग का लगाने का है। ये हमेशा ख्याल रखने का, ये प्रिकॉशन आपको लेना जरूरी है। क्यों, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ये उल्टा लगा देंगे तो मशीन तुरंत खराब हो जाता है। ये प्रिकॉशन इंपॉर्टेंट है। अर्थिंग के जगह अर्थिंग लगाना चाहिए, होल्डर के जगह होल्डर लगाने चाहिए। और इसका जो आरपीएम है वो रॉड के हिसाब से लगाएंगे तो ये सही काम करती है। मैं पूरा वेल्डिंग का काम, फैब्रिकेशन का काम यही मशीन से करता हूँ। कोई भी स्टेनलेस स्टील रहो या एमएस रहो, सब काम यही मशीन से मैं पूरा करता हूँ। हीवी ड्यूटी नहीं है, लाइट कहाँ भी आप लेके जा सकते हैं, सही काम करता है। ये प्रोडक्शन में बहुत अच्छा मशीन है। इसके लिए सबको टेक्निकल जो पढ़ेला रहता है उनको वर्कशॉप डालने का रहेगा या कुछ भी करने का होगा आपको आगे, तो ये इसका जानकारी होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको ये प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपके दोस्त को बताइए, सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल को, अलग अलग वीडियो आपको रोज मिलते रहेंगे। तो अभी ये मैं दोनों केबल ज्वाइंट किया है और ये होल्डिंग रॉड भी आपको होल्डर में लगाया है। इसके बाद आपको ये पिन दिया है, ये पिन मैं 3.2 में अभी स्टार्ट कर रहा है। तो आपको मशीन स्टार्ट कैसा करने का वो दिखा रहा है। अभी ये मैं मशीन ऑन किया है, मेन स्विच ऑन किया है। इसके बाद सप्लाई अभी देखो यहाँ पे आया है, आपको अभी ये इंडिकेटर दिखेगा। देखो मशीन स्टार्ट हो गया है, आपको इजीली मालूम पड़ेगा। ये देखो आपको दिख रहा है, अभी ये 92 एम्पियर लगेला है। तो एम्पियर पहले सेट करने का है अपने को, 85 टू 115 तक आपको एडजस्ट करने का है। कौन से हिसाब से आपको वेल्डिंग करने का है वो हिसाब से प्लेट देख के आपको वेल्डिंग का एम्पियर सेट करना पड़ेगा। अगर पतला प्लेट रहेगा तो एम्पियर कम लगता है, ज्यादा प्लेट रहेगा तो एम्पियर ज्यादा लगता है। अभी मैं आपको 5 mm का प्लेट वेल्डिंग करने वाला है। इसके लिए मैं अभी 110 एम्पियर लगा रहा हूँ। देखो 110 एम्पियर सेट किया है मैं। इसके बाद ये होल्डर, जब तक ये होल्डर अर्थिंग को टच नहीं होता है तब तक ये जलेगा नहीं। और कभी भी ख्याल रखने का, होल्डर और अर्थिंग दोनों हाथ में नहीं पकड़ने का कभी भी। होल्डर का जो पॉइंट रहता है ये, इसमें हाथ लगाने का नहीं और अर्थिंग को, दोनों को टच नहीं करने का। और काम करते हुए बूट पहनने का है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, आराम से आप काम कर सकते हैं। अर्थिंग प्रॉपर रहेगा तो कोई आपको तकलीफ नहीं होगा। ये मशीन बहुत अच्छा है, आपको अभी एम्पियर सेट किया है और सप्लाई अभी कैसा करने का ये आपको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे ये केबल है और उसके लिए और 2-3 पार्ट आपको पकड़ने के लिए जरूरत है। देखो ये पकड़ है, गरम जॉब गरम होता है इसके लिए ये पकड़ से जॉब पकड़ने का। और ये वेल्डिंग हेड स्क्रीन है, ये ऐसा लगाने का है। ऐसा लगा कि आप वेल्डिंग करेंगे तो आपको आँख को तकलीफ नहीं होगा और चश्मा रहेगा तो वो भी खराब नहीं होगा। अगर स्पॉट ऐसा स्प्लिट होते हैं तो सेफ रहेगा इससे। और अलग अलग टाइप के वेल्डिंग स्क्रीन मिलते हैं, हैंडल टाइप मिलते हैं, इसमें हैंडल रहता है, हैंडल पकड़ के अपन यूज कर सकते हैं। और बाद में वेल्डिंग करने के बाद चिपिंग हैमर अपने को लगता है, ये चिपिंग करने के बाद ठंडा होने के बाद उसको जो वेल्डिंग के ऊपर स्लैग रहता है वो निकालना पड़ता है, वो इसके लिए चिपिंग हैमर की जरूरत पड़ती है। बस इतना ही सामान वेल्डिंग करने के लिए अपने को आवश्यक है। अभी मैं वेल्डिंग आपको करके दिखा रहा हूं। अभी देखो यहाँ पे अभी सप्लाई आ गया, देखो करंट चालू हो गया, आराम से अपन वेल्डिंग कर सकते हैं इसमें। ये दो जॉब लगाया है मैं इसमें, देखो दो साइड में मैं वेल्डिंग का टाका ले रहा हूँ। इसके बाद ये साइड में दूसरा टाका ले रहा हूँ।
इसके बाद पूरा वेल्डिंग अपन करने का है अभी। देखो अपना वेल्डिंग इजीली हो रहा है। और रॉड कंटिन्यू चलना चाहिए और एमएस रॉड जो रहता है वो जॉब को टच नहीं करने का है। 2 mm या 3 mm गैप रखने का है। ऐसे टाइप से वेल्डिंग अगर करेंगे तो आप मास्टर बन जाएंगे वेल्डिंग में। देखो ये हो गया अपना जॉब का वेल्डिंग। इसको ठंडा होने के बाद इसका जो ऊपर का स्लैग है वो निकलने का है, तो अपने को जहाँ पे ब्लो होल्स है वहाँ पे वापस वेल्डिंग करना पड़ता है। तो सही तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई भी काम ये मशीन से कर सकते हैं। आपने ये वीडियो पूरा देखा इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।